अरे यार लगी मुझे भी पड़ी पड़ी, छुप जाना पड़ेगा। Don't worry, I got you. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार GTA 5 के एक नए रोमांचक स्टोरी मिशन में, जिसमें हम लोग करने वाले एक ज्वेलरी स्टोर को रॉब करने वाले हैं। सो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में जब खेला था, हमने लास्ट एपिसोड वैसे तो एक साइड मिशन खेला था, एक्सरसाइज का मिशन था, लेकिन उससे पहले जो खेला था हम लोग वहाँ पर जाके सारा इन्वेस्टिगेट करके आए हैं, और लेस्टर के हिसाब से अभी हमें कुछ गन्स चाहिए, और उसके लिए हमें एक जो गार्ड्स की गाड़ी आने वाली है उसे लूटना है सबसे पहले। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं उसी लोकेशन की ओर जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे वो कार मिलने वाली है। कार है, गाड़ी है, क्या है पता नहीं, वो तो बाद में ही पता चलेगा, और वहाँ पे जाके उसे लूट लेना है, और क्योंकि हमें ख़ास तौर पे यहाँ लूट करने के लिए गन्स चाहिए है, क्योंकि पूरी टीम वगैरह बन चुकी है और हम लोग ये साथ में ही करने वाले हैं। अभी सबसे पहले कार पे से हम लोग गन्स वगैरह ले लेते हैं, और उसके बाद हम सीधे हमारे जो रॉबरी का मेन मिशन है उसकी ओर बढ़ लेंगे। हम सीधा रॉबरी मिशन शुरू करेंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक करना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो सामने ही मुझे लगता है कि शायद तो आ रही है पुलिस की कार, पुलिस की है कुछ भी। हाँ ये रही, मिल गई। यस यस, अब गए, अब हमारी यहाँ आमने सामने। हाँ गन ले लो, इसको पहले ठोकता हूँ ठोक। अरे यार लगी मुझे भी पड़ी, छुप जाना पड़ेगा, काफ़ी जब्बर पड़ी है यार। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, दोनों ओर है ये लोग गार्ड्स। चलो इसे भी ख़त्म किया है, ये ले। अभी भी एक तो है, अरे यार वो कहाँ से गोलियां मार रहा है, वो जख्मी हुआ है लेकिन फिर भी गोलियां चला रहा है यार, अजीब है। चलो ठीक है, इसे भी ख़त्म किया, अभी और कोई बचा है, दिखता तो नहीं है, आई थिंक सो ख़त्म हो गए। और इस कार के अंदर वो जो भी वेपन वगैरह चाहिए लेस्टर ने मंगाया था वो सारा कुछ इस कार में मिल जाएगा हमें। तो अभी कोई गार्ड्स मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो अभी कॉप्स, लेकिन पुलिस मेरे पीछे पड़ी है तो मुझे उनसे बहुत ही जल्द छूटना होगा, कहीं पे छुपा के कैसे भी उनसे मुझे बहुत ही जल्दी से छुटकारा हासिल करना होगा, अभी भागना पड़ेगा मुझे। अभी मैं देखता हूँ कि इन लोगों से मैं कितना जल्दी से बच के निकल सकता हूँ। यार कार तो हैंडल करना मुश्किल है, ये बहुत बड़ा ट्रक टाइप का कार है यार, बहुत बड़ा है, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, और ये लोगों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। वो जैसे कि बॉलीवुड के पुराने पिक्चरों के डायलॉग होते थे, पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, बस कुछ इसी तरह का हाल हो रहा है। और ये इतने पुलिस तो कम थी, तो हेलीकॉप्टर भी आ गया इनका। वो सामने से भी कार आ रही है पुलिस की, ये ले जा। पहले मैं मैप में देख लूं कहां कहां है, चारों ओर कार है, हेलीकॉप्टर भी दो हेलीकॉप्टर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कौन था बे, ये तो पुलिस नहीं है, साले पुलिस की हेल्प करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे वाले नागरिक सिटी के। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ पे ये सब कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ है मेरे साथ। दो से यार मुझे लगा कि जा गई, मैंने सही वक्त पे ब्रेक कर ली गाड़ी को, अब शायद मैं यहाँ पे कहीं पे छुपने की जगह तलाश कर सकता हूँ, क्योंकि अभी कोई पुलिस मेरे नज़दीक नहीं है, हेलीकॉप्टर भी दूर चला गया है। तो यहाँ पे कहीं पे मुझे कोई खोपचा ढूंढ के कार को खड़ी कर देने होगी। 3 स्टार मेरे बढ़ गए यहाँ, इतना मतलब वांटेड लेवल पे आ गया हूँ, 3 स्टार वांटेड लेवल, जो कि बहुत ज़्यादा है। खैर इस तरह के वांटेड लेवल तो आते ही रहेंगे इस तरह की गेम्स के अंदर, और आगे भी बहुत सी गेम्स में इस तरह का कुछ होता था। कोई नहीं, अभी तो 3 स्टार है, कभी 5 स्टार भी लेके आएंगे हम। ये अच्छी जगह है, और अरे नहीं ये तो मैं बहुत ही बिल्कुल हाईवे के पास आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई पुलिस की कार है नहीं ज़्यादा, यहाँ से मैं बच के निकल सकता हूँ। हाईवे पे निकल जाता हूँ तो बच जाऊँगा मैं। ओके चलो, पुलिस तो चली गई, मुझे मिल गया मैप कहाँ जाना है, लोकेशन बता रहा है।
तो उसी तरह से चलते हैं। शायद तो ऊपर के रास्ते से जाना था या नीचे से। खैर जाता हूँ, यहाँ से टर्न कर लेना है। अब मुझे जाना है वो जो इनकी खुफिया फैक्ट्री वाली जो ऑफिस वगैरह है वहाँ पे जाना है, और मैंने गलत रोड ले लिया, मुझे और साइड में जाना था। मेरी वजह से काफ़ी सारा ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है, मतलब कि सबको मुश्किल हो रही है। ये भी इतनी बड़ी कार है, और ये जो कार में पीछे पेटी दिख रही है ना, वही लूटनी थी हमें, उसके अंदर सारा सामान होगा। वैसे एक बात अच्छी है कि फ्रैंकलिन को भी इसने बुला लिया है, तो फ्रैंकलिन भी साथ में आने वाला है लूट करने के लिए। और भी तीन एक लोग हैं और लेस्टर है। लेस्टर मेन इवेंट में तो नहीं आएगा साथ में, क्योंकि वो वैसे ही पैर से अपाहिज है, तो वो कुछ ऐसा काम कर नहीं सकता। वैसा आप लोगों से एक बात पूछनी थी मुझे कि कौन कौन क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहा है अभी, और क्या लगता है कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतने वाली है, कौन पहुंचेगा फाइनल में है, और आप लोगों की फेवरेट टीम कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ओ यार, पहुंच गए हम हमारे अड्डे पे, बहुत करीब है। हमले तो मुझे जैसे कि दिखाई नहीं देते। ओ, कार को भी यहाँ छुपा देनी थी। कॉल भी आ गया, किसका कॉल है भाई? All right, Lester, I got us the tac team rifles. All right, then this squad is ready to go. Come inside and meet the crew. सेव करना है, कर लिया। ठीक है, देखते हैं ये लोग क्या प्लानिंग करते हैं आखिरी वाला, मतलब कि रात को तो हमने कार रख दी और नेक्स्ट डे भी हो चुका है। ओके, पूरा इनका क्रू आ चुका है। Very carefully at the plans. We considered something more complicated, but given the location, the weakness of staffing, and the exit points, we believe that a more simple plan will work best. We're gonna hack in, disable security, and waltz right in through the front door. The security guard should be to our left. We neutralize him. 15 seconds later, you come in. I want extreme pressure applied to the staff. The customers are to be calmly subdued. I want one guy on crowd control while you and I empty out the merchandise from the cabinets. We're in and out in 90 seconds, guys. Franklin will handle your getaway. I'm leaving on foot. Any questions? सबको सबका काम समझा दिया गया है यहाँ पे माइकल ने, और 19 seconds मिलेंगे जब तक के अलार्म बजेगा, और वहाँ तक हमें जितना भी लूट सकते हैं उस शॉप में से, ज्वेलरी शॉप में से उतना लूट लेना है। सो अभी वान में बैठना है, और मेरे पास आ गया है फ्रैंकलिन का कंट्रोल। और कौन बैठने वाला है वान में साथ में? ये लोग भी बैठेंगे, ये जो हमने प्रोफेशनल्स हायर किए थे वो लोग हैं। वो एक तो गई बड़ी ट्रक, शायद तो उसमें लेस्टर भी है, मैंने देखा नहीं वो बाजू, मेरा ध्यान ये वैन पे था इसलिए मैंने देखा नहीं है। तो ट्रक के पीछे जाना है? नहीं नहीं, हमें तो डेस्टिनेशन मिल चुका है, सो हमें ट्रक के वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम हमारे तरीके से निकल जाएंगे। Same goes the other way. A crew will only work when there's trust. So, in the interest of fostering that type of relationship in the short time we've got, let me introduce myself. I'm Michael.
वैसे मेरे पास दो और गेम्स भी है जिसका गेम प्ले मैं सोच रहा हूँ कि करूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि वो बहुत हाई ग्राफिक्स वाली गेम्स है जो कि मेरे पीसी में चल तो जाती है लेकिन अल्ट्रा में नहीं चलती, और एफपीएस भी जिस तरह से चाहिए उस तरह के नहीं मिल रहे। एलन वेक 2 है मेरे पास और सिटी स्काईलाइन 2 भी है। अब सिटी स्काईलाइन 2 तो सिम्युलेटर गेम है जिसमें वैसे उसका गेम प्ले करूँगा मैं, तो भी उसके तो काफ़ी लंबे और बड़े एपिसोड बनेंगे। बहुत रेयर केस में उसके छोटे एपिसोड बना सकते हैं लेकिन उसके थोड़े बड़े ही बनेंगे। एलन वेक 2 भी है मेरे पास लेकिन वो यार मेरा पीसी थोड़ा सा उसके लिए स्लो पड़ रहा है, बहुत हैवी गेम्स है वो दोनों। अरे यार ये ट्रक कहाँ बीच में घुस रहा है, साइड पे हाथ रास्ता दे, हम लोग लूट करने जा रहे हैं। करीब है, हम लोग पहुंचने ही आए, बिल्कुल करीब आ चुके हैं। देखते हैं अभी तो हम लोग हल्ला भुला के अंदर जाने वाले हैं, अभी वहाँ पहुँचे बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का हल्ला करने वाले ये लोग। ओके वीडियो आ गया है, देखते हैं किस तरह का होने वाला है हल्ला वगैरह। वो रिवर्स में कार खड़ी कर दी है माइकल ने, फ्रैंकलिन शायद तो वैन में ही बैठेगा और हेलमेट पहन के ही चल रही है। आ क्या मूवी स्टाइल सीन है वो, वाह यार जबरदस्त सीन लिया है on the floor now. Whoa, go 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 go. I'm on the display case. I've been able to get you around a minute and a half before the alarm will reset itself. ओके 19 सेकंड मतलब मिनट एंड हाफ, यानी 19 सेकंड्स है हमारे पास वहाँ तक, जितने भी बॉक्सेस तोड़ के जितना कुछ लूट सकते उतना लूट लेना चाहिए क्योंकि हमें कट भी बहुत देना है। वो ये अभी जो दिखा रहा है उतने सारे बॉक्सेस मुझे तोड़ने होंगे। जल्दी यार, कौन सा कोई बॉक्स क्यों नहीं टूट रहा। अच्छा चलो ये भी टूट गया। अभी भी दो बॉक्स है, अभी भी एक बॉक्स है, कहाँ पे है यार, कहाँ पे है, शायद तो यही बॉक्स है, दो बॉक्स नहीं ये वाला, ये इसे टूटना चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहा है, इस पे कहाँ घूम रहा है बे माइकल। माइकल क्या कर रहा है तू, इसे तोड़। 20 सेकंड्स बाकी, अभी भी उससे पहले हम लोग निकल गए और यहाँ पे ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खड़ा था फ्रैंकलिन। अब अलार्म बजाए। ओके अभी फिर से फ्रैंकलिन आ चुका है मेरे पास, अभी लेके निकलना है और बाइक पे। यहाँ क्या मजा आ रहा है बाइक चलाने का, अभी बहुत ही तेज वाली बाइक है और बहुत मस्त चलाने की मजा आ रही है, मतलब ये बाइक बिल्कुल मूवी स्टाइल सीन है, कहाँ से कहाँ निकल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। अभी कहाँ से जाना होगा, वो फायर कर रहे हैं पुलिस वाले, फायर कर रहे हैं। वो कहाँ से निकल गए बे ये बंदे मेरे, वो हो हो ये कौन सी सुरंग, टनल में घुस गए। अबे यार जा, मुझे लगा के जा गया, और क्या ही टनल है, क्या पुलिस भी टनल में, नहीं शायद टनल में तो नहीं है लेकिन शायद टनल के ऊपर है। अबे 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 ये कोई सर्कस का खेल नहीं कर रहा है यार, हम भाग रहे हैं लूट करके पुलिस से बच के। वो मेरे साथी कहाँ चले गए, यहाँ पे तो काम भी चल रहा है टनल में, ये रहे साथी मेरे आगे ही है, क्योंकि अगर कहीं टनल में और रास्ते आ गए और वो लोग दूसरे रास्ते में, दूसरे रास्ते ख़त्म मिशन। वो यार गया फिर से दीवारों से बातें करने चला गया मैं। अबे निकल यार, वो लोग चले जाएंगे, वैसे वो लोग डायरेक्शन देते हुए जा रहे हैं आगे, और शायद वो लोग बहुत आगे नहीं गए होंगे, मेरी वेट तो कर रहे होंगे, पता नहीं अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, नहीं मुझे शायद लाइट दिखी है आगे, हाँ ये रहे मिल गए, इनके साथ ही चलना है मुझे। ओ या
मजा आ गया ये मिशन में, एक सबसे फर्स्ट वाला मिशन और ये वाला मिशन, काफ़ी मज़ा आया इसमें। फर्स्ट वाले मिशन में भी काफ़ी फायर वगैरह था, एक्शन पैक था, और ये मिशन भी मस्त एडवेंचर वाला है, मज़ा आया। देखते हैं इसे कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाता है कोई भी दिक्कत बगैर, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे अभी पुलिस तो बिल्कुल ही खतरनाक तरीके से अलर्ट है। वो क्या सीन है यार, अब सीधा मैं ट्रक में ट्रांसफ़र हो गया, मतलब क्या माइकल से। अब माइकल को लेके प्ले करना है मुझे, ये बड़ा ट्रक लेके, और एक पुलिस की गाड़ी को तो मैंने रास्ते से हटा दिया, शायद इसीलिए ये ट्रक वाला टास्क दिया गया है कि मैं ये जो बीच में रोड ब्लॉक वगैरह है उसे तोड़ता हुआ निकलूँ और बाइक वालों के लिए रास्ता क्लियर करता हुआ जाऊँ। वो बाइक वाले सब साथी इस ओर आ गए। ये कार को उड़ाऊंगा मैं, कार को उड़ाना है, ठीक है। चलो ये भी हो गया, अभी तू भी जा पानी में। ओ बहुत खतरनाक तरीके से ठोक दी मेरे। ओ सामने निकल जाना होगा मुझे भी यार, थोड़ा स्ट्रक हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ गया हूँ फिर से लाइन पे। और सारे कॉप्स चले गए और सामने मुझे एक डेस्टिनेशन पॉइंट दिखाई दे रहा है जहाँ पे जाके मुझे मेरी कार को स्टॉप करना है, मतलब ये जो बड़ा ट्रक है, वाहन है बड़ा, उसे वहाँ पे जाके स्टॉप करना है। और शायद तो वो जो कार बाइक वाले हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। Lester's around the corner at the lockup. सब लोग अंदर चले गए और अब हम लोग जा रहे हैं। हमें बता दिया गया है GPS पे कि कहाँ जाना है और वहीं पे हम जाने वाले हैं। अब अच्छा म्यूजिक बज रहा है, तो बंद कर सकते या नहीं? हाँ कर देना चाहिए बंद, क्योंकि मैं पंगा नहीं चाहता कि कोई मेरे वीडियो के ऊपर यूट्यूब कॉपीराइट दे दे, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। काफ़ी खुश है सब लोग क्योंकि इन्होंने सक्सेसफुली लूट कर ली है ज्वेलरी स्टोर में। ओ हम लोग पहुँच भी गए और यहाँ पे लेस्टर खड़ा है शायद यहाँ बाहर, और यहाँ पे पूरा ट्रक छुपा देना है। सो फाइनली हमारा मिशन बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुली पास हो गया, क्योंकि हमने क्रू भी ऐसा सिलेक्ट किया था, क्रू को कट भी ऐसा मिलने वाला है, पैसा भी हम उनको ज्यादा देने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, काफी मजा आया इस मिशन के अंदर, और अभी आगे हम और भी ऐसे इसके मिशन और भी करेंगे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को भी लाइक करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। इसके बाद भी बहुत जल्द मैं GTA 5 का दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन शायद उससे पहले आप लोगों को टॉम राइडर लारा क्रॉफ्ट के वीडियो देखने मिलेंगे, शैडो ऑफ टॉम राइडर के। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।